वाहे गुरु वाहे गुरु। औखद आए रास विच आप खलोया। नाम दी औसती नाल जदों सरदार अवतार सिंह जी दलेर राजी होके अपने दोस्तां नूं मिलण लाहौर गए तां सारे ही दोस्त मित्र हैरान सन ते पुछ कीती कि तुहानूं आराम किवें आया। अवतार सिंह जी ने बड़े प्रेम नाल गुरबाणी दी पारस कला दा उन्हां अगे प्रगटावा कीता अते सारी विद्या दसी। भाई वधावा सिंह जी अते भाई गुरबख्श सिंह जी जो FC कॉलेज लाहौर पढ़ते सन, इस घटना तो प्रभावित होकर बाबा जी नूं मिलण 119 ਚੱਕ सरगोधे विच आए अते गुरमत प्रथाए बाबा जी नाल विचार वटांदरा कीता। दोवां ने बाबा जी दी शख्सीयत दा प्रभाव कबूलिया अते गुरसिੱਖੀ ਵੱਲ प्रेरित होकर गुरबाणी पढ़न लग पाए। सरदार वधावा सिंह जी पिंड सुधार दे रहन वाले सन। इन्हां दे पिता सा निरंजन सिंह जी डिप्टी असिस्टेंट कंट्रोलर आफ ब्रिटिश आर्मी अकाउंट्स लाहौर लगे हुए सन। आप अपने पिता जी पास रह के ही कालेज की विद्या प्राप्त कर रहे सन। भाई वधावा सिंह जी दे परिवार विचों ही भाई शेर सिंह पुत्र सा सुंदर सिंह जी अक्सर बीमार रहिंदे सन। सा वधावा सिंह होरां ने भाई शेर सिंह जी नूं सा अवतार सिंह दे गुरबाणी नाल राजी होण दी सारी विद्या दसी। भाई शेर सिंह जी ने भाई वधावा सिंह होरां नूं कहा कि तुसीं मैनूं भी बाबा जी पास लै चलो तां जो मैं भी जिवें बाबा जी कहण उस साधन नूं अपना के अरोक हो जावां। भाई वधावा सिंह जी अपने चाचे भाई शेर सिंह होरां नूं नाल लै के 119 ਚੱਕ सरगोधे पुजे। रात बाबा जी पास रहे। भाई शेर सिंह होरां ने अपनी सारी विद्या दसी। बाबा जी ने आख्या कि तुसी अमृत छक के सतगुरु जी की ओट लवो। गुरु साहब शरीरक रोग तां की गुरसिख दे आत्मक रोग कट के लोक परलोक दोवें ही सवार दिंदे ने। दिन नियत करके लाहौर सदर बाज़ार के गुरुद्वारे विच भाई शेर सिंह जी अते होर प्रेमियां ने अमृत पान कीता। उसे दिन ही सरदार वधावा सिंह ते बाकी परिवार ने भी गुरु महाराज जी की शरण नूं प्राप्त कीता। भाई शेर सिंह जी दुनियावी विद्या वालों बिल्कुल अनपढ़ सन। इन्हां नूं नितनेम की जगह मूल मंत्र दियां माला करन दा 5 प्यारां वालों हुक्म मिलिया अते शरीरक अरोगता लई गुरु घर विच झाड़ू फेरन की सेवा लाई गई। भाई शेर सिंह होरी थोड़े दिन लाहौर रहण उपरंत वापस अपने नगर सुधार जिला लुधियाणा विखे आके 5 प्यारां पासों मिली सिक्ख्या नूं पूर्ण तौर ते जीवन विच घटाउण दा यतन करन लगे। काफ़ी तड़के उठ के सब तो पहला गुरुद्वारा साहब जाके गुरु दरबार विच झाड़ू की सेवा करनी, उपरंत उत्थे ही बैठ के मूल मंत्र दियां माला जो नितनेम के रूप में 5 प्यारां वालों हुक्म सी वो पूरियां करदे। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का मुख वाक सरवण करन उपरंत वापस घर आके आराम करदे। लम्मे पियां भी गुरमंत्र का जाप करन का यतन करदे। गुरु मेहर नाल ऐसी लगन लगी कि दुनियावी सारे ही पासे भुल गए ਅਤੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਅਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸੁਰ ਕਰ ਲਿਆ। 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੜਕਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਕੀਮ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਸ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰੇਗਾ। ਦਿਨ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਅ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੰਕੇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਪਛਾਉਂਦੇ ਉਸ ਹਕੀਮ ਪਾਸ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਉਸ ਹਕੀਮ ਨੇ ਭਾਈ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹਾਲਤ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਅਨੇਕਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਤ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭੋਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਆਖ ਹੈ ਕਿ ਔਖਦ ਕਰ ਥਾਕੀ ਬਹੁ ਤੇਰੇ ਕਿਉਂ ਦੁੱਖ ਚੁੱਕੈ ਬਿਨ ਗੁਰ ਮੇਰੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਔਖਦ ਆਏ ਰਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਖਲੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਆਰਾਮ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਈ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਪਰ ਅਥਾਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਅਰੋਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਪੂਰਨ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੇ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਧਿਆਈਐ मार्ग चलत हरै हर गाइए दी लाहेबंदी कार करदे ते हमेशा जाचना करदे कि हे सतगुरु जी विसर नाही दातार, अपना नाम देह गुण गावां दिन रात नानक चाओ एहो। आप जी संसारक जिम्मेवारियां पूरियां करदे पर मानता हुण काहे एक बिना चित लाइया। उठत बैठत सोवत जागत सदा सदा हर ध्याइया दी दा धारनी बन के नाम दी रास इकट्ठी करन लई हर समय तत्पर रहिंदा। नाम सिमरन दी कार नूं करदिआं आप जी दी आत्मक अवस्था काफ़ी उचेरी हो चुकी सी, पर फिर भी गुरु दरबार विच झाड़ू दी सेवा नूं आपने निरंतर